हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा, गली बॉय की टैगलाइन जो है वो है अपना टाइम आएगा। आप दोनों का तो टाइम आ चुका है, धड़ाधड़ बैक टू बैक सुपर डुपर ब्लॉक पर सिस्टम में दे रहे हैं। इसमें रणवीर कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, उसमें रैप भी गाते हैं, बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग जो है ये रैप है कि अपना टाइम आएगा, हार कभी नहीं मानना, लगे रहने का। तो आप इस पे अपने विचार व्यक्त करें। जिंदगी में हर किसी ने कहीं कभी ना कभी कभी मुश्किल टाइम आया होगा जी। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा। बिल्कुल। बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, सब किसी की लाइफ में कभी अच्छा दौर आता है, कभी अप्स जाते हैं। दैट इज लाइफ, अप्स डाउन, उतार चढ़ाव। मुश्किलात जब आती हैं तो बस अपने आप को बोलो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आप को कहो कि तू इससे हार्ड है, तू अपने आप में विश्वास कर और तेरा टाइम आएगा। क्या बात, तात्पर्य ये निकलता है, हिंदी बड़ी प्योर हो गई मेरी, कि हार्डवर्क जो है, मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लगे रहो, कभी ना कभी टाइम आएगा। मैं यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को इस बात पे विश्वास है कि उनका टाइम आएगा और उस टाइम के लिए वो क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। अपने अपने विचार पेश करें। हाय गली बॉय। यो, व्हाट्स अप मैन, चिलिंग। हेलो, मेरे को भी करें, सेम टू यू। हाँ, सो मेरा नाम आरव है और मुझे लगता है मेरा टाइम आ गया क्योंकि मेरे को रणवीर सिंह के साथ रैप करना है। वो अपना टाइम आएगा पे। आ जा। ओए, अरे तेरा कॉन्फिडेंस ऐसे लग रहा फिल्म इसकी आई, वो फैन में आया। क्या बात है, क्या बात है बाजी, आई लव यू। मतलब इतना ये जो बोलना होता है इतना इजी नहीं है ये, मतलब सांस टूट जाता है। आरव, क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो अभी? हाँ। कौन सी क्लास में? एट्थ में। एट्थ में हो आप, वेरी गुड आरव, ऑल द बेस्ट ब्रदर। बाय बाय। और कोई हमारे दोस्त? यस भाई साहब, अगर बाल कटाने का टाइम आया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित यादव नाम है सर मेरा। सुमित यादव जी। सुमित कहाँ से आप? मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो क्या आपके विचार है इस मुद्दे के, अपना टाइम आएगा? सर, इस बात का मुझे भरोसा है कि मेरा टाइम तो आना ही है, इस बात का पूरा भरोसा, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की उतनी तो मुझे नहीं लगता मेरी उम्र पे लोग करते हैं। तो आपने क्या वीटी स्टेशन बनाया, क्या मेहनत की? मेहनत बड़ी की है, मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है तो अच्छा बोलना चाहिए। बता भैया, क्या तू बता ना, क्या मेहनत? बाजी, क्या बात है कि अगर आप मुझे एक मिनट अभी दे दो तो फिर आपको मेरी पूरे जिंदगी की मेहनत पता चल जाएगी। अरे वाह, प्लीज प्लीज। क्या बात है, क्या बात है, अपना टाइम आएगा 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 आएगा। अप्पा जी देश में आ जाते थोड़ा। रजनीकांत कितना फेल लोग इधर, ये नाराज के लाभ बाइंड है। थैंक यू। ओहो, सुपर, बहुत हार्ड, माइंड ब्लोइंग, जोरदार तालियां यार।
Fabulous, yeah. Amazing. You are so. क्या बात है ब्रदर, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू यार. आप तो मतलब आप बोल रहे मेरा टाइम आएगा, मुझे लगता है आपका आया हुआ, हम बता नहीं रहे किसी को. सुपर्ब है यार. सच बताऊं तो सर, आपको देख के मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से ही शुरुआत की थी. वाह. थोड़ी बहुत मिमिक्री करने लगा उसके बाद में. सर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरा अभी अगर मैं अगर आज सच बताऊं तो स्टेबल भी हूँ, हंस भी रहा हूँ, तो सर उसकी वजह है क्योंकि सर आपके आपके शो को देखकर. कमाल टैलेंट है यार आपका. सर आपके शो को देख देख कर हमने ये सीखा कि आपके अगेंस्ट पूरी दुनिया भी चली जाए, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. लव यू, थैंक यू सर. आपकी परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिया ब्रदर. ऑल द बेस्ट, छा जाओ दुनिया पे जी. और कोई हमारे दोस्त जी? पाजी सत श्रीकाल सर. सत श्रीकाल सर. सत श्रीकाल जी. हाय सर. हाय मैम. अपना टाइम आएगा, इसका मैं जीता जानता उदाहरण हूँ. अच्छा जी. दो महीने पहले मैं कुछ 135 किलो का था. ओ, वाह. उसके बाद सर का पहले से बहुत बड़ा फैन हूँ. अभी लग नहीं रहे आप 135 किलो. नहीं अभी सर, मेरे ख्याल से 127 होगा आपका. सर 2 किलो ज्यादा बता दिया आपने बस. 125. दो महीने में 10 किलो कम किया है. अच्छा. और ना कोई जिम लगाया है, ना शहर की कुछ नहीं, खाली सर के ढांसू गानों पे दिन रात नाचता हूँ. एक्सरसाइज यार वो तो. इतना बड़ा फैन हूँ सर का कि आप सुबह 4 बजे उठा दो, मैं सुबह 4 बजे से लेकर अगले दिन 4 बजे तक नाचता रहूंगा. वाह. और सर के जो गाने आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि 83 के रिलीज तक मेरे एब्स होंगे. वाह, अच्छी बात है. मैं सर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया था. पहले तो ये बता दो कौन से गानों पे डांस करता है. सर आप अपना कोई भी गाना बता दो, अगर हुक स्टेप मैंने मिस कर दिया मैं अभी शो से चला जाऊंगा. पाजी हो चैलेंज. ये चैलेंज है. चैलेंज चैलेंज चैलेंज. वाह. आ जा मैदान में. रणवीर इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी. आई थे काके. भाई दिखा भी दो क्या लेके आए लिफाफे में. ओ हाउ स्वीट. हाउ स्वीट, क्या बात है. ये खुद से की है? फ्रेंड से बनवाया. मैं अभी तुझे क्रेडिट देने वाला था, शुक्र है तूने बता दिया. सर क्रेडिट क्रेडिट तो लिया जा सकता है, बट भगवान से झूठ नहीं बोला जा सकता. क्या बहुत अच्छी है पाजी, वेरी गुड. पाजी कैमरा पे भी दिखाओ दीपिका, ये देखिए कितना अच्छा स्केच बनाया आप दोनों का. पाजी फोटो तो देखने दो हमें. तो मेरा नाम आकाश है. मैंने पूछा जी सर, सॉरी सॉरी. अच्छा आकाश. सूरत गुजरात से आया हूँ सर. अच्छा जी आकाश. और 3 साल से स्ट्रगलिंग कॉमेडी कर रहा हूँ सूरत में, ओपन माइक्स में जाता हूँ. ओके. और आप आइडल हैं सर हमारे. सो स्वीट, थैंक यू. सर आज आपको लाइव देख लिया, आपको परफॉर्म करते हुए देख लिया, तो सर अब मैं श्योर हो गया हूँ कि मेरा टाइम आ गया है सर. सो स्वीट, लव यू. एक चीज आपको दिखानी थी, उसके लिए सर स्टेज पे आना चाहूंगा. आइए प्लीज. ये देखो इनका गली बॉय का पोस्टर काट के ना मेरे फोटो आए दिखाओ. क्या बात है, फनी बॉय. सो स्वीट, लव यू. यस ब्रदर. अरे यार ऐसे मत करो सर. सबसे पहले तो फी पाओ पल्ला. क्या बात है, आपके करोड़ों फैन है सर. मैं उसमें से एक छोटा सा फैन हूँ सर. मैंने इधर बैठो आप मेरे बड़े मुझे प्यार आया. बैठिए बैठिए आराम से बैठो आराम से. सर मैंने मैं इधर बैठूंगा, आप इनको भी देखो पहले, हम बैठ के बातें करेंगे. देखो सर मैंने आपके नाम को मेरे जिंदगी में हमेशा के लिए जोड़ लिया है सर. सो स्वीट है. अरे बाप रे बाप. सर ये खुदवाया कि सर परमानेंट है सर. यार पाजी प्यार है ये पर आई रिस्पेक्ट योर लव फॉर मी, आई लव यू ब्रदर, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया. गॉड ब्लेस यू. ये मिटेगा अब के नहीं? नहीं सर कभी नहीं मिटेगा. कल को तुम किसी और के फैन हो गए तो? नहीं सर, होगा ही नहीं सर. एक कॉमेडियन हिंदुस्तान में, एक कॉमेडियन आपके अलावा किसी का फैन नहीं है. लव यू, लव यू, लव यू. थैंक यू. पोता बहुत हार्ड. रणवीर सिंह आले भट्ट मेरी गली में, टोपताली वाले जट मेरी गली में, मेरी गली में, मेरी में.
मेरी गली में। सर सर यो यो आपको देख के ना इतना खुशी हो रहा है, बता नहीं सकते आप दोनों। दिख रहा है आपके सर पे खुशी, दिख रहा है। देखिए यार, ये जब बहुत खुश होता है ना तो इसकी पूंछ खड़ी हो जाती है। वैसे रणवीर जी गुलु 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 गुलु। बच्चा ये क्या कर रहा है? अरे हम इनको गुलु गुलु करेंगे तो आलिया जी हमें धोपेंगे छलारे। वैसे आलिया जी आप यहाँ पर आए हैं, हमारी गली के जितने मच्छर हैं ना उनकी कसम खा लीजिए। क्यों? मर जाएंगे यार। हमने देखा ट्रेलर में कसम खाते मर जाते हैं। आई नो। देखिए आपको कसम खाना है खाइए, नहीं खाना है नहीं खाइए। ऑल राइट, जीवन में कभी टिंडा मत खाइए। क्यों? लोग कहेंगे आलिया भट्ट टिंडा खा गई। आलिया भट्ट टिंडा खा गई। वाओ, पूरा का पूरा शहर ही खा गई यार। रणवीर सिंह जी, सर आपके लिए भी एक सलाह है, आप कभी किसी के आड़े मत आइएगा। क्यों जी? फिर लोग कहेंगे रणवीर सिंह आड़े आ रहा है। सिंह आड़े सिंह आड़े। और हाँ कपूर शर्मा, आप ना कभी अनार मत खाइए। क्यों? बहुत महंगा है यार, यू कांट अफोर्ड। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे आई एम श्योर जिन्होंने अपनी वाइफ का नाम या अपने दोस्तों के नाम अलग नाम से सेव किए होते हैं। अच्छा, जिसका हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा क्रिएटिव लगेगा, उसको हम गिफ्ट भी देंगे। ऐसे फालतू में नहीं पूछ रहे। ओ, मांगता रहा बॉस, देता है गिफ्ट, मांगता है अपने पास। हाँ, कोई है हमारे दोस्त जो फटाफट कुछ? जी हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो सिद्धू सर। हेलो भाई। हेलो रणवीर सर। हेलो आलिया मैम। सो मैं यहाँ मेरे वाइफ के साथ आया हूँ। तो अपनी वाइफ के साथ आओगे, किसी की वाइफ के साथ क्यों आएगा? अच्छा, तो फिर कहाँ से आए सर आप? मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ। यहाँ मुंबई से ही आए? जी। मैंने अपने वाइफ का नाम प्यार से वड़ा रखा है। और वड़ा? वड़ा मिंदू वड़ा? नहीं नहीं, और उसने मेरा नाम पाव रखा है। हुआ है, क्या बात है। चटनियाँ कितनी है आपकी, बच्चे कितने हैं? वड़ा पाव, सो स्वीट। ऐसे क्यों, वड़ा क्यों रखा है और पाव क्यों रखा है? मतलब सर बेसिकली जब हम लोग दिल्ली से मुंबई आए तो हमने काफी जगह पे वड़ा पाव खाया और हमें ऐसा लगा कि वड़ा पाव जैसे हमेशा साथ में रहता है तो हमें भी ये साथ में रहना है, इसीलिए हमने वड़ा पाव डिसाइड किया। क्या बात है, क्या बखोड़ों वाली क्रिएटिविटी है। वड़ा पाव भी बोलते रहते, मेरे को भूख लग गई सच्ची में यार। क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक, और आपकी मिसेज का नाम? इनका नाम आपको नहीं याद? निमिक्षा। हाँ जी, निमिक्षा। लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज कम लव। मतलब कैसे अरेंज कम? नहीं, पहले फैमिली ने अरेंज कर दी एंड बाद में हमने एक दूसरे को मिले तो हमें प्यार हो गया। नहीं, वो तो होना ही था ना, फिर उसके बाद प्यार नहीं करोगे तो वड़ा पाव ये चटनियां कैसे होंगी। चलिए शुक्रिया अभिषेक, थैंक यू निमिक्षा। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो। और विजय दीनानाथ चौहान। क्या हाल है सर? बढ़िया है सर। कहाँ से आए सर आप? सर मैं वापी गुजरात से आया हूँ सर। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने अपना? जीतू पटेल। जी जीतू पटेल जी, आपने क्या किया अपने फोन में? सर मैंने अपनी वाइफ का नाम सेव किया है, किट किट किया है। हाँ जी, किट 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 किट। आई आपके साथ? आई है सर। कहाँ है? बाजू में बैठी हुई है। यार इतने प्यारी हंस रही है वो, आपने किट किट रखा है उनका नाम? अभी भी किट किट चालू है, पानी कैसे पीना है, ऐसे क्यों पी रहा है, ऐसे पी रहा है, ऐसे बोलती है। किटकिट जी अपना, सॉरी आपका ओरिजिनल नाम क्या है? सर मेरा नाम तरुणा है। तरुणा, कोई बात नहीं सर, अपना टाइम भी आएगा। क्या बात है। नहीं यार, आपको अगर मैंने बोला पानी ऐसे नहीं, आपका ध्यान रखती ना। नहीं पर बताना तो पड़ता है ना, आखिर हस्बैंड तो है। पर आपको क्यों लगता है कि उनको पानी पीना नहीं आता? ऐसे नहीं पियेंगे तो क्या ऐसे पिएंगे? उनका कहना है बड़े बड़े लोग आए हैं, जरा पानी जरा सिस्टमेटिक पियो, जरा अच्छा ही लग रहा है। कौन से बड़े बड़े लोग आए? सब अपने जैसे ही, अपने ही हैं। सर आलिया मैडम, सिद्धू सर, आप। तो हम भी ऐसे ही पीते हैं, हम कोई ऐसे तो नहीं पीते। लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं। आप मुझे देख के बोल सकते हैं कि लव मैरिज? अरे सर
ये तो जिंदा दिली आपकी हंसी मजाक, हर लड़की को ऐसा लड़का पसंद होता है। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं 15 दिन रोई थी। क्यों 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 क्यों? देखने के बाद। पर आप दोनों ही बड़े मजेदार हो। अच्छी पटती होगी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? नहीं बिल्कुल नहीं पटती। बैठे तो बड़ा चिपके हुए थे। बच्चे कितने हैं आपके? 2 है सर। बनती तो होगी तभी हुए। पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।